स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डार्क रूम या प्रोसेसिंग रूम। डार्क रूम या प्रोसेसिंग रूम जो होता है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक हार्ट है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, मैनुअल रेडियोग्राफी में डार्क रूम जो होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हार्ट है। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। डार्क रूम का दूसरा नाम जो होता है वो प्रोसेसिंग रूम होता है। यहाँ पर रेडियोग्राफ को प्रोसेसिंग करके, जिसमें फिजियोकेमिकल चेंजेस के माध्यम से फिल्म पर रिकॉर्डेड फिल्म के ऊपर रिकॉर्डेड लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। डार्क रूम के अंदर फिल्म के ऊपर रिकॉर्डेड लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। यह कंप्लीट डार्क होता है, पूरा डार्क होता है, क्योंकि नॉर्मल लाइट यहाँ प्रतिबंधित होती है, बैंडेड होती है, क्योंकि रेडियोग्राफिक फिल्म लाइट सेंसिटिव फिल्म मटेरियल से बनी होती है। इसलिए नॉर्मल लाइट से सेंसिटिव और सेफ लाइट, इसकी प्रोसेसिंग के लिए सेफ लाइट को अलाउ किया जाता है, जो कि विदाउट फॉगिंग फिल्म प्रोसेसिंग को सेफ और इफिशियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये कहलाता है डार्क रूम। डार्क रूम में ही फिल्म स्टोरेज होता है। वो फिल्म स्टोरेज जिनको यूज किया जाता है डार्क रूम में तुरंत एक्सरे के लिए। अब सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, वो होती है लोकेशन। डार्क रूम की लोकेशन क्या होती है? बेसिकली डार्क रूम जो होता है वो एक्सरे रूम के क्लोज में होता है, या क्लोज में लोकेटेड होता है, ताकि टाइम सेफ हो। समय की बचत के लिए इसको डार्क रूम को एक्सरे रूम या इमेजिंग रूम से क्लोज होना चाहिए। इसके अलावा अगर एक या एक से अधिक इमेजिंग रूम है, एक्सरे मशीन हो, तो डार्क रूम जो होता है वो सेंट्रल या मिड में लोकेटेड होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, बीचों बीच होता है। साथ ही डार्क रूम को के लिए ध्यान रखना चाहिए कि डार्क रूम ऐसी जगह ना हो जहां डैम और हॉट एरिया हो। हॉट एरिया से दूर होना चाहिए डार्क रूम को। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है डार्क रूम के लिए, या डार्क रूम बनवाते समय, कि वो एरिया हॉट और डैम्पनेस ना हो वहाँ पे, उस जगह पे डार्क रूम को बनाया जाता है। अब आता है डार्क रूम की डिज़ाइन। डार्क रूम किस प्रकार से डिजाइन होता है? तो सबसे पहला उसमें स्ट्रक्चर जो होता है डार्क रूम का कैसा होता है। एक आइडियल डार्क रूम जो होता है वो 10 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया में और 10 से 11 फीट सीलिंग हाइट होती है इसकी, या होनी चाहिए, जिसमें फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान जरूरी इक्विपमेंट्स आसानी से रखे जा सके। इस तरीके का स्ट्रक्चर डार्क रूम का होना चाहिए। आइडियल डार्क रूम की साइज 10x10x10 फिट होती है। ARAB के अकॉर्डिंग या BARC के अकॉर्डिंग 10x10x10 फिट, यानी 10 फिट लंबा, 10 फिट चौड़ा, 10 फिट ऊंचा। तो ये होता है डार्क रूम का स्ट्रक्चर। अब आता है वॉल्स। डार्क रूम की वॉल्स कैसी होनी चाहिए? डार्क रूम की वॉल्स जो कि ब्लैक कलर से पेंटेड होना और केमिकल रेजिस्टेंट टाइल्स से कवर्ड होना बहुत जरूरी होता है। ये लाइट्स जो होती हैं डार्क रूम की, ये वॉल्स लाइट कलर भी हो सकती हैं, ताकि पर्याप्त सेफ लाइट रिफ्लेक्शन प्रोसेसिंग के दौरान प्रोवाइड कर सके। एक्सरे रूम से के नियर की जो वॉल होती है उसमें 150 mm थिक और 225 mm सॉलिड ब्रिक से बनी प्लास्टर्ड वॉल होती हैं। साथ ही इसमें 2 mm लेड शीट से कवर्ड होना जरूरी होता है, 2 mm लेड शीट से कवर्ड होना जरूरी होता है, जो कि एक्सरे रूम से निकलने वाले
रेडिएशन से डार्क रूम को प्रिवेंट कर सकते। तो इस तरीके से डार्क रूम की वॉल्स होनी चाहिए, बेसिकली ब्लैक कलर की वॉल्स होती है क्योंकि रेड कलर की सेफ लाइट यूज की जाती है। लाइट कलर की सेफ लाइट वॉल्स में पेंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रिफ्लेक्शन हो सकता है ज्यादा। ठीक, अब आता है फ्लोर। फ्लोर किस तरीके का होना चाहिए डार्क रूम का? डार्क रूम का फ्लोर हमेशा फ्लैट और स्मूथ होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सेरेमिक प्रोक्लीन टाइल्स से मेड होना चाहिए। सेरेमिक प्रोक्लीन टाइल्स से मेड होना चाहिए जो कि केमिकल रेजिस्टेंट और इजी टू क्लीन हो, आसानी से साफ करने लायक, इस तरीके का फ्लोर होना चाहिए। अब आता है पॉश बॉक्स। पॉश बॉक्स जो होता है, ये जो एक डिवाइस है, पॉश बॉक्स जो होता है वो वॉल माउंटेड होता है। एक्सेल रूम की ये डिवाइस है बेसिकली, जो एक्सेल रूम में डार्क रूम तक के एसिड को इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। इसमें टू लाइट प्रूफ इंटरलॉक मेटेलिक डोर होते हैं पॉश बॉक्स में, जो दोनों एक साथ बहुत टाइट डार्क रूम और एक्सरे की तरफ से एक साथ नहीं ओपन हो सकते। इसे केसिड ट्रांसफर कैबिनेट या हैचेस भी कहा जाता है। इसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है एक्सपोज केसिड के लिए और दूसरा अनएक्सपोज केसिड। ठीक, अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डोर्स ऑफ द डार्क रूम, डार्क रूम के डोर्स कैसा होना चाहिए, एंट्रेंस कैसा होना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैंने आपको डार्क रूम बताया था, डार्क रूम क्या होता है, डार्क रूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसी में आज मैं बताऊंगा आपको डोर्स ऑफ द डार्क रूम, डार्क रूम के जो डोर्स होते हैं वो कौन कैसे होते हैं। डार्क रूम के डोर्स जो होते हैं, इसमें एक सबसे पहला जो डोर होता है वो होता है सिंगल डोर। सिंगल डोर सिस्टम में यह जो डोर होता है, सिंगल डोर सिंपल टाइप एंट्रेंस है होता है, सिंपल ट्रेप एंट्रेंस होता है, जिसमें डार्क रूम में एक सिंगल डोर की व्यवस्था होती है। इस डोर में प्रोसेसिंग के दौरान फिल्म जो है वो एक्सीडेंटल लाइट एक्सपोज ना हो, इसके लिए यह डोर इंटरलॉक सिस्टम से लेस और लाइट टाइट होता है। इंटरलॉक सिस्टम ऐसा होता है कि जो रेडियोग्राफर अंदर जाता है तो वो ही खोल के उसको बाहर आ सकता है, बाहर से कोई दूसरा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसको ओपन नहीं कर सकता। ये सिंगल डोर सिस्टम होता है और इंटरलॉक से अटैच होता है। ठीक, दूसरा होता है सिस्टम जो होता है डबल डोर सिस्टम। डबल डोर सिस्टम कैसा होता है? इस प्रकार के डोर में दो दरवाजे होते हैं, टू डोर्स होते हैं, और एक स्मॉल पोर्च दोनों डोर्स के बीच में होता है। दोनों डोर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम से लैस होते हैं। ये दोनों डोर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम से लैस होते हैं। इसमें एक डोर तब तक ओपन नहीं होता है जब तक कि दूसरा क्लोज ना हो। दोनों डोर एक साथ ओपन नहीं होते हैं, इसमें जब तक एक क्लोज नहीं होता तब तक दूसरा ओपन नहीं होता। यह फिल्म प्रोसेसिंग के लिए सेफ एंट्रेंस माना जाता है। ये वाला एंट्रेंस जो है डबल डोर जो है ये सेफ एंट्रेंस माना जाता है। इसके साथ तीसरा जो है वो है मेज और लेबरिंथ एंट्रेंस। मेज और लेबरिंथ एंट्रेंस में टू पैरेलल पैसेज होते हैं, गलियां होती हैं जो वॉल को फेस करते हैं, वॉल की तरफ फेस करती हैं। जो ये दो पैसेज होते हैं इसमें लेबरिंथ एंट्रेंस में, जो कि एल शेप में होते हैं ये। ठीक, बिना डोर के ये पैसेज जो है ब्लैक कलर से पेंटेड होते हैं। जो पैसेज होते हैं, जो ये गली होती है, जो ये रास्ता होता है, वो ब्लैक कलर से वहां की वॉल्स जो है पेंटेड होती हैं, जो लाइट को प्रिवेंट करती हैं, लाइट को रोकती हैं। इसमें व्यक्ति और रेडियोग्राफर प्रोसेसिंग के दौरान इंटर और एग्जिट, अंदर जा और बाहर आ सकता है रेडियोग्राफर इसमें प्रोसेसिंग के लिए। यह जो एंट्रेंस होता है लाइट को इफेक्टिवली ट्रैप करके सेफ फिल्म प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता। इस प्रकार का एंट्रेंस ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। इस तरीके के एंट्रेंस में ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि पेसेज होता है सिर्फ,
जिसमें एक तरफ से ऐसा जाता है और ऐसे घूम के वापस आता है, रेडियोग्राफर। तो सिर्फ पैसेज होते हैं इसमें, इसलिए ये ज्यादा जगह नहीं ऑक्यूपाई करता है। तीसरा है रिवॉल्विंग डोर्स, इसमें चौथे नंबर पे रिवॉल्विंग डोर्स, रिवॉल्विंग मतलब घूमने वाला। यह रोटेटिंग टाइप एंट्रेंस होता है डार्क रूम का। डार्क रूम में एंट्रेंस और एग्जिट के लिए सिर्फ एक रोटेटिंग डोर होता है या रोटेटिंग डोर सिस्टम होता है। इसका कंस्ट्रक्शन टू ब्लैक सिलेंडर से होता है। सिलेंडर मतलब देखा आपने, गोल होता है, सिलेंडर के रूप में होता है। इसमें आउटर सिलेंडर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, परंतु इनर सिलेंडर जो होते हैं वो रिवॉल्विंग होते हैं, जो डार्क रूम में इजी इंस्टेंट एसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक, और लिटिल स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। ये भी कम जगह घूमता है क्योंकि अपनी जगह पे सिलेंडर घूमता है, ऑक्यूपाइड करते हैं। और लाइट प्रूफ एंट्रेंस डार्क रूम में को प्रोवाइड करता है। यह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है इसलिए इसका यूज नहीं होता है, बहुत खर्चीला बहुत महंगा होता है रिवॉल्विंग डोर सिस्टम, इसलिए इसका यूज नहीं किया करते लोग, बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक। अब आता है डार्क रूम इल्यूमिनेशन। डार्क रूम में प्रकाश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो डार्क रूम में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो इल्यूमिनेशन है वो है सेफ लाइट। एक्सरे फिल्म लाइट और कलर सेंसिटिव होती है, आप सभी को पता है। सेफ लाइट एक डिवाइस है डार्क रूम की, जो कि फिल्म को प्रोसेसिंग करने के लिए नॉन सेंसिटिव वेवलेंथ, जो कि फिल्म को प्रोसेसिंग करने के लिए नॉन सेंसिटिव फिल्म वेवलेंथ और लाइट जो कि फिल्म के ऊपर पॉप प्रोड्यूस ना करे, जो कि फिल्म के ऊपर पॉप प्रोड्यूस ना करे, साथ ही प्रॉपर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है। इसे प्रोसेसिंग के लिए प्रॉपर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है फिल्म प्रोसेसिंग के समय। सेफ लाइट में प्रॉपर फिल्टर जो होते हैं वो अटैच होते हैं, प्रॉपर फिल्टर अटैच होते हैं, ताकि अनवांटेड वेवलेंथ लाइट को, अनवांटेड वेवलेंथ लाइट को प्रिवेंट करके फिल्म को फॉग से प्रोटेक्ट किया जा सके। सेफ लाइट की रिक्वायरमेंट फिल्म प्रोसेसिंग, लोडिंग अनलोडिंग, जनरल इल्यूमिनेशन के को प्रोवाइड करती है। नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन का यूज जो होता है वो डार्क रूम में किया जाता है। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? वो है इनडायरेक्ट सेफ लाइट और डायरेक्ट सेफ लाइट। इनडायरेक्ट सेफ लाइट क्या होती है? सेफ लाइट का, इस सेफ लाइट का जो फेस होता है वो डायरेक्ट टूवर्ड्स सीलिंग होता है, जिसमें लाइट सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर डार्क रूम जनरल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है डार्क रूम में। इनडायरेक्ट सेफ लाइट में 60 वॉट बल्ब यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में जो सेफ लाइट होती है उसका जो माउथ होता है, जो उसका फेस होता है, वो सीलिंग की तरफ होता है, और सीलिंग जो होती है वो लाइट कलर से पेंटेड होती है। सीलिंग जो होती है वो लाइट कलर से पेंटेड होती है, इसलिए इसका जो मुंह होता है वो सीलिंग की तरफ होता है, जिससे लाइट, सेफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती। बट ये यूज नहीं करते क्योंकि इसकी जो दो फ्लोर से लेंथ होती है वो कम होती है, ये रेडियोग्राफर को काम करते समय उसके हेड से टकराती है, इसलिए इसका यूज आजकल नहीं किया जाता। दूसरी आती है डायरेक्ट सेफ लाइट। यह सेफ लाइट जो होती है प्रोसेसिंग, ये सेफ लाइट जो है वो प्रोसेसिंग सिस्टम नियरेस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया। लाइट डायरेक्ट वर्क, लाइट जो होती है डायरेक्ट वर्क एरिया पर पड़ती है, वर्क सरफेस पर पड़ती है इसकी लाइट डायरेक्ट। इस सेफ लाइट को ड्राई बैंड से, सेफ लाइट का जो होता है ड्राई बैंड से डिस्टेंस वो 4 फीट या 1.2 मीटर होता है, वैसे हैंग होती है, देखा होगा आपको, दिखाया मैंने डार्क रूम में। तो इसका जो डिस्टेंस होता है ड्राई बैंड से वो लगभग 1.2 मीटर या 4 फीट पे होता है, ये हैंग होती है, लटकी हुई होती है। साथ ही लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेसिंग एरिया से थोड़ी सी दूर होती है इसे, इसमें जो होता है 25 वाट का बल्ब यूज किया जाता है, उसमें 60 वाट का बल्ब यूज किया जाता है इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में 25 वाट का बल्ब यूज किया जाता है। अब आते हैं अपन की पॉइंट्स फॉर द डार्क रूम प्रैक्टिस। डार्क रूम प्रैक्टिस में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखा जाता है डार्क रूम? सबसे पहला की पॉइंट है डार्क रूम जो होता है उसको लार्ज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्कलोड, वर्कलोड के अनुसार उसे बड़ा होना चाहिए, और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के साथ सफिशियंट स्पेस होना चाहिए, जहां पर ड्राई बेंच, वेट बेंच और फिल्म प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इजीली एकोमोडेट किए जा सके। दूसरा नंबर, जो दूसरा की पॉइंट है, वह डार्क रूम को कंप्लीटली लाइट प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है ताकि फिल्म फॉग को अवॉइड किया जा सके। तीसरा की पॉइंट जो है वो है डार्क रूम में सेफ और सिक्योर एंट्रेंस होना चाहिए। चौथा की पॉइंट, वॉल रेडिएशन प्रूफ
और सॉलिड कंक्रीट से मेडिड होनी चाहिए। चौथे नंबर पे जो चौथा की पॉइंट है वो है वॉल रेडिएशन प्रूफ और सॉलिड कंक्रीट से मेड है। वॉल्स और रूफ रूफ सेफ लाइट के अकॉर्डिंग पेंटेड होने चाहिए। डार्क रूम में जो है नेक्स्ट की पॉइंट जो है इसका सिक्स नंबर का वो है डार्क रूम में सेफ लाइट के साथ नॉर्मल लाइटिंग होना चाहिए क्लीनिंग पर्पज से। और सातवां जो है डार्क रूम फ्लोर को रेगुलर क्लीन करना चाहिए। और आठवां की पॉइंट जो है वॉशिंग और रिंसिंग टैंक को एवरी डे चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है डार्क रूम के अंदर। थैंक यू।